हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लेब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में एक वीडियो बना रहा हूँ और आज का वीडियो हमारा रहेगा कक्षा 12 की जो इंग्लिश लिटरेचर की पोइम है ट्रीज, उसके ऊपर। और इस पोइम को कंपोज किया है स्टूडेंट्स एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन ने। इनका पूरा नाम है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम इस पोइम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ट्रीज पोइम के अंदर एमिली डिकिंसन ने क्या बताया है। तो चलिए हम पोइम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोइटेस के बारे में कि इसकी जो कवियत्री है एलिजाबेथ डिकिंसन, उन्होंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उनका फोटो देखते हैं। ये देखिए, इस तरह से वो दिखाई देते थे। और एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन का जन्म जो है वो अमेरिका के अंदर हुआ था। 10 दिसंबर 1830 को उनका जन्म अमेरिका के अंदर हुआ था और वो एक अमेरिकन पोइटेस थी। और उनका ज़्यादातर जो वर्क्स था, उनकी पोइम्स थी या जो भी उन्होंने लिखा था, वो उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ था। जीते जी ज़्यादा उनकी जो किताबें हैं वो प्रकाशित नहीं हुई थी, उनकी डेथ के बाद में ज़्यादा उनका जो वर्क्स है वो प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। और उनकी मृत्यु जो है वो 15 मई 1886 को अमेरिका के अंदर ही हो गई थी। तो ये तो था पोइटेस के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। अब हम बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स कुछ इस पोइम के अंदर आए हुए हैं जो कि एमिली डिकिंसन ने यूज किए हैं। उन लिटरेरी टर्म्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो ज़्यादा आपको पढ़े नहीं हैं अभी तक शायद, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला इसके अंदर है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एक पर्सोनिफिकेशन की तरह ही होता है, पर्सोनिफिकेशन का ही प्रकार होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि इसको हम यूज करते हैं टू मेक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स फोर्सेस एंड एनिमल्स अपीयर टू एक्चुअली बी ह्यूमन बीइंग्स। यानी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम इंसान की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। और पर्सोनिफिकेशन के अंदर भी हम यही करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है, वस्तुएं हैं, जानवर है या दूसरी चीज़ें हैं, उनको इंसान की तरह किस तरह से दिखाया जा सकता है, यही पर्सोनिफिकेशन के अंदर होता है और यही एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के अंदर होता है। इसके अंदर थोड़ा सा ये कि इसके अंदर फीलिंग्स भी आ जाती है, जैसे इंसान की फीलिंग्स होती है वो भी इसके अंदर एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के अंदर आ जाती है। दूसरी जो लिटरेरी टर्म इसके अंदर आएगी वो है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, देखिए, एंजाममेंट अकर्स व्हेन ए लाइन इज कट ऑफ बिफोर इट्स नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट। यानी कि एंजाममेंट का यूज पोइटेस करती है अपनी पोइम को गति देने के लिए, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन पर रीडर तुरंत आ जाए और वो बीच में रुके ना, तो पोइम को गति देने के लिए एंजाममेंट का यूज किया जाता है कि हम एक लाइन पढ़ रहे हैं, उसमें कोई फुल स्टॉप या कुछ रुकने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही अगली लाइन के ऊपर हमें आना पड़ता है। इस तरीके से रीडर्स के जो थॉट्स हैं वो फटाफट पोइम के साथ चलते रहते हैं और पोइम्स को गति मिलती है, तो उसको कहते हैं एंजाममेंट। विचारों का जो प्रवाह होता है वो तुरंत बना रहता है। और इसके अलावा सिमिली का यूज किया गया है। सिमिली का तो आपको पता ही होगा कि हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, लाइक और एज का यूज करते हुए। और सिमिली के अलावा और भी कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जो इसके अंदर आएंगी, हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम पोइम का हिंदी ट्रांसलेशन अभी पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पहली स्टेंजा है इस पोइम की, टोटल 7 स्टेंजाज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहली स्टेंजा आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, 4-4 लाइन की स्टेंजा है और 7 स्टेंजा है। तो मैं हर स्टेंजा का आपको अर्थ बताऊँगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, हम पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। तो आप जरा जैसे ही मैं आपको बताता हूँ किसी लाइन का, आप अपने दिमाग के अंदर इमेजिनेशन जरूर करिएगा उस चीज का, क्योंकि ये जो पूरी पोइम है ट्रीज, इसके अंदर पोइटेस ने क्या किया है, सुबह का जो समर डे है, गर्मियों का दिन है और सुबह का टाइम है, उसका चित्रण किया है। यानी सुबह का जो दिन होता है गर्मियों के अंदर वो किस तरीके का होता है उसके बारे में बताया है। तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता भी होगा कि गर्मियों के अंदर सुबह का जो टाइम होता है कितना शानदार होता है, कितना मन को मोह लेने वाला होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लाइन टू लाइन अर्थ पढ़ते हैं इसका, एक्सप्लेन करते हैं इसको कि इसमें क्या कहा है। द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वंग। तो पहली लाइन के अंदर देखिए, ट्रीज की जो पेड़ हैं, अब ध्यान रखिए, समर डे है और मॉर्निंग का टाइम है,
ट्रीज लाइक टेसल्स, पेड़ जो है पहली लाइन में देखो यहाँ पे किसका यूज कर दिया है, सिमिली का यूज कर दिया है लाइक लगा करके. द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वंग. टेसल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि खिड़कियों के ऊपर हम जो पर्दे लगाते हैं उनको खींचने के लिए, उनको बंद करने के लिए, खोलने के लिए हम फुंदे के, डोरियों के कुछ लगाते हैं, उनके नीचे फुंदे लगे होते हैं, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे. इनको हम खींचते हैं तो खिड़की है वो खुल जाती है और बंद करने के भी काम में आती हैं, और बहुत ही स्मूथ और ब्यूटीफुली ये काम होता है. तो यहाँ पे पेड़ों की तुलना टेसल से की गई है कि जो पेड़ हैं वो जैसे फुंदे होते हैं खिड़कियों के, उनकी तरह हिट एंड स्वंग, हिट यानी हवा से टकराते हैं, एंड स्वंग और झूलते हैं. स्वंग स्विंग की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे झूलना इसका अर्थ होता है. तो जैसे ही हवा आती है बहुत तेज सुबह के टाइम में, तो ये पेड़ों से टकराती है और पेड़ों की टहनियाँ हैं वो झूलने लगती है हवा के अंदर. किस तरीके से झूलने लगती है, जिस तरीके से खिड़की के जो पर्दे होते हैं उन पर्दों के जो टेसल्स लगे होते हैं, जो फुंदे लगे होते हैं और जो डोरियां लगी होती है, वो जिस तरीके से हवा में झूलती है उस तरीके से पेड़ है उनकी टहनियां हवा में झूलती है. देयर सीम टू राइज इट टू, और आगे क्या बता रहे हैं मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, देयर सीम्ड टू राइज इट टू, सीम मतलब प्रतीत होना, टू राइज इट टू एक धुन उठती हुई प्रतीत होती है, एक संगीत उठता हुआ प्रतीत होता है. और ये संगीत कहाँ से उठता है, फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स, मिनिएचर क्रिएचर्स, मिनिएचर का अर्थ होता है छोटे छोटे, मिनिएचर क्रिएचर्स यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े. इसके अंदर बग्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, सॉरी बग्स आ जाएंगे, और इसके अंदर बीज आ जाएगी, इसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाएंगे, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं और जो छोटे जीव हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो सारे मिनिएचर क्रिएचर्स यहाँ पे पोएटिस उनको कहा है. तो ये जो धुन है, जो संगीत है जो सुबह के अंदर हवा में उठ रहा है और संगीत की आवाज़ आ रही है, वो मिनिएचर क्रिएचर से आ रही है. जैसे मान लीजिए कोई तितलियां है, कोई पक्षी है, कोई और छोटा मोटा कीड़ा है, वो उड़ता है हवा के अंदर, तो उसके जो पंखों की आवाज़ आती है ना, उससे ये ट्यून है वो उठती है और ये संगीत है वो उठता है, अकम्पनिंग द सन. और ये जो मिनिएचर क्रिएचर्स हैं ये किसकी अकम्पनी करते हैं, सूरज की. अकम्पनी का अर्थ होता है संगति करना साथ में. अब जैसे सुबह सूरज निकलता है पूर्व दिशा के अंदर, तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये भी सुबह के टाइम के अंदर अपने जो स्थान होते हैं, अपने जो घर होते हैं, उनसे बाहर निकलते हैं अपने घोंसलों से या अपने बिलों से. इसलिए का कंपनी द सन, जैसे उधर से सूरज निकलता है इधर से ये कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं और वातावरण के अंदर एक संगीत पैदा कर देते हैं उड़ करके अपने पंखों की आवाज़ से. तो ये पहली स्टेंजा के अंदर एक सुबह का थोड़ा सा दृश्य आपको बताने की कोशिश करी गई है कि सुबह के टाइम के अंदर पेड़ हैं उनकी टहनियाँ इधर उधर झूल रही है हवा के अंदर, तेज हवा चल रही है, और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो पक्षी हैं, उनके पंखों की आवाज़ से एक बहुत ही मधुर संगीत वातावरण में चल रहा है, और ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ये सूरज के साथ सुबह के टाइम में बाहर निकलते हैं. दूसरी स्टेंजा के अंदर देखिए, फॉर साल ट्रीज ऑफ समर. अब साल ट्रीज यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए इस प्रकार का एक यंत्र होता है जो कि मध्यकाल के अंदर काम में लिया जाता था, और इस यंत्र की बहुत ही जो मधुर ध्वनि होती है, बहुत ही ज़्यादा मधुर मीठी आवाज़ होती है जब इसको बजाया जाता है, बहुत ही अच्छा संगीत इससे पैदा होता है. तो फॉर साल ट्रीज ऑफ समर एनमरिंग द ईयर, तो ये जो साल ट्रीज यहाँ पे यूज किया है, ये यूज इसलिए किया है कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो बग्स हैं, पक्षी हैं, उनकी जो धुन पैदा करते हैं, वो संगीत पैदा करते हैं, वो संगीत कैसा होता है, साल ट्रीज के जैसा. यानी जैसे साल ट्रीज को बजाते हैं ना इस यंत्र को, तो कैसा मीठा संगीत निकलता है, उसी तरीके का वो संगीत है जो उन इंसेक्ट से, उन बग से, पक्षियों से सुबह के टाइम में वो पैदा करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या, फॉर साल ट्रीज ऑफ समर, कि गर्मियों के ये साल ट्रीज हैं जो ये कीड़े मकोड़े पैदा करते हैं. इनामरिंग द ईयर, इनामरिंग का अर्थ होता है मोहित कर देना, आकर्षित कर देना, बहुत ही अच्छा लगने वाली जो चीज़ होती है उसको कहते हैं. तो ये जो संगीत है इनके द्वारा पैदा किया गया, ये कानों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कानों के अंदर एक मिठास सी घोलता है. तो उनका जो संगीत है वो साल ट्रीज की तरह होता है, जैसे साल ट्रीज से धुन निकलती है वो कितना मीठा होता है, उतना मीठा ये संगीत होता है.
दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई। अब और क्या बताया आगे देखिए कि ये जो संगीत है दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, नेवर मतलब कभी नहीं, सेटिस्फाई का होता है संतुष्ट करना, ये जो संगीत है ये कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। रिमोट टेस्ट का होता है जरा सा भी, थोड़ा सा भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। वैन मोस्ट फेयर, जब ये सबसे अच्छे में होता है, यानी जब सबसे अच्छा संगीत होता है इन पक्षियों की आवाज़ का, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ का, सुबह के टाइम में जब इनकी धुन निकलती है, तो वैन मोस्ट फेयर, जब ये सबसे अच्छा होता है तो भी ये जरा सा भी इंसान को संतुष्ट नहीं कर पाता है बिल्कुल भी। अब इसमें कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी इंसान इस संगीत को सुनता है तो और वहाँ से वो चला जाता है तो उसका जानने को मन नहीं होता है, वो चाहता है कि मैं इस संगीत को सुनता ही रहूं और ज़्यादा, वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ये नहीं कि उसने सुन लिया और बस सेटिस्फाई हो गया फिर की चला, नहीं, वो सेटिस्फाई होता ही नहीं है। इतना मधुर संगीत ये होता है कि वो उसको सुनना ही चाहता है लगातार, इसीलिए यहाँ पे लिखा है दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट। रिमोटेस्ट का होता है जरा सा, जरा सा थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है इंसान को। वेन मोस्ट फेयर, जब ये सबसे अच्छे में होता है, सबसे मधुर संगीत जब निकलता है तो, यानी इंसान इसको लगातार सुनना चाहता है। अब तीसरी स्टेंजा के अंदर सूरज की दूसरी बार एंट्री होती है। एक तो पहली बार, पहली स्टेंजा के अंदर सूरज की एंट्री हुई थी, उसके अंदर सूरज के बारे में बताया था कि जो पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, वो सूरज के साथ अपने घोंसलों से बाहर आते हैं, अपने बिलों से बाहर आते हैं तो सूरज की संगति करते हैं। तीसरी स्टेंजा के अंदर फिर से सूरज आ गया है। यहाँ पे एमिली डिकिंसन कहते हैं द सन शोन होल एट इंटरवल्स, यहाँ पे सूरज के बारे में बताया है। देखिए किस तरीके से बताया है, द सन शोन, शोन शाइन की सेकेंड फॉर्म है चमकना, होल मतलब पूरा, एट इंटरवल, इंटरवल्स का होता है अंतराल, तो सूरज है वो अंतरालों में पूरा चमकता है, अंतराल में यानी थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम ले लेके। देन हाफ देन अटर हिट, देन हाफ, कभी तो ये आधा दिखाई देता है, आधा चमकता है, देन फिर अटर हिट, अटर का होता है पूरा, हिट मतलब छुप जाना, फिर ये पूरी तरह से छुप जाता है। तो सूरज की जो अटकेलियां हैं उनके बारे में बताया है स्टेंजा नंबर 3 में, द सन शोन होल एट इंटरवल्स, कि सूरज है वो अंतरालों में पूरा चमकता है, देन हाफ, कभी ये आधा दिखाई देता है, देन अटर हिड, फिर ये पूरी तरह से छुप जाता है, कभी आधा दिखेगा, कभी पूरा छुप जाएगा, कभी पूरा दिखाई देगा। एजिप जैसे कि हिमसेल्फ वर ऑप्शनल एंड हैड स्टेट ऑफ स्टेट्स ऑफ क्लाउड, हिमसेल्फ, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हिमसेल्फ में एच कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सूरज है उसको एक गॉड के समान बताया गया है, भगवान के समान पावरफुल बताया गया है उसको, एक आप ऐसे बोल सकते हो उसको एक मोनार्क, एक किंग की तरह बताया गया है, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली। ए जीव हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, ऑप्शनल का अर्थ होता है एचिक, यानी मर्जी का राजा, तो यहाँ पे सूरज को बताया गया है कि कभी वो पूरा दिखाई देता है, कभी वो आधा दिखाई देता है, कभी वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, और मर्जी का मालिक कौन होता है, या तो भगवान होता है या फिर राजा होता है। तो सूरज को भगवान से तुलना की गई यहाँ पे, ईश्वर से, गॉड से तुलना की गई, उसके अंदर उतनी पावर है, उतना वो ताकतवर है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड, और अब राजा है मान लीजिए या कोई ताकतवर व्यक्ति है तो उसका कोई ना कोई साम्राज्य तो होगा, तो सूरज का साम्राज्य क्या है, स्टेट्स ऑफ क्लाउड, बादलों का, बादलों की जागीरें, स्टेट्स कहते हैं जागीरों को, तो बादलों की जागीरें जो है यानी बादलों का साम्राज्य है उसके ऊपर वो राज करता है, और बादलों के अंदर कभी वो पूरा छुप जाता है, कभी वो आधा छुप जाता है, यानी अपनी मर्जी का मालिक है वो, ऑप्शनल है। तो इस स्टेंजा के अंदर आपको एक तो सन के बारे में बताया है कि सन है वो एक गॉड की तरह है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ताकतवर है, और एक राजा की तरह आप उसको ले सकते हो, और उसका जो साम्राज्य है वो है स्टेट्स ऑफ क्लाउड, बादलों का साम्राज्य, बादलों की जागीरों के ऊपर वो राज करता है। अगली स्टेंजा के अंदर देखिए स्पीशियंट टू एनफोल्ड हिम, और ये जो बादलों की जागीरें हैं यानी ये जो बादलों का साम्राज्य है सफिशियंट, ये पर्याप्त है टू एनफोल्ड हिम, इनफोल्ड मतलब आगोश में ले लेना, छुपा लेना, हिम, हिम यहाँ पे भी सूरज के लिए आया है कि ये जो साम्राज्य है यानी ये जो बादल हैं ये सूरज को अपनी आगोश में लेने के लिए पर्याप्त हैं। एटर्नली फ्रॉम व्यू, एटर्नली मतलब
हमेशा के लिए फ्रॉम व्यू दिखाई देने से, यानी दिखाई देने से उसको रोक सकते हैं ये बादल, और पर्याप्त हैं ये बादल इतने ज़्यादा हैं कि सूरज को हमेशा हमेशा के लिए दिखाई देने से रोक सकते हैं। सूरज हमेशा हमेशा के लिए इन बादलों की आगोश में समा सकता है, इसलिए लिखा है सफिशियंट टू एनफोल्डिंग एटर्नली फ्रॉम व्यू। एटर्नली का अर्थ होता है हमेशा हमेशा के लिए, फ्रॉम व्यू दिखाई देने से उसको रोक सकते हैं, यानी बादल सूरज चाहे तो हमेशा के लिए इन बादलों के अंदर छुप के रह सकता है। लेकिन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा, के अतिरिक्त, इट वर ए विम ऑफ हिज, उसकी एक विम, विम कहते हैं सनक को, मर्जी को बोलते हैं, एक आप बोल सकते हो सनक या पागलपन जो होता है उसको बोलते हैं, अपनी मर्जी का, मनमौजी टाइप का जो होता है ना कुछ भी करने का, तो ये तो पावरफुल राजा या गॉड ऐसा पावरफुल व्यक्ति होता है वही कर सकता है। तो एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज, उसकी एक सनक है, उसकी एक मर्जी है सूरज की, टू लेट द ऑर्चर्ड्स ग्रो, कि वो क्या करना चाहता है, ऑर्चर्ड्स यानी जो फलों के बगीचे हैं, ग्रो उनको ग्रो करना चाहता है, उनको बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि फलों के बगीचे हैं फल फूलते रहें और उनके फल लगते रहें। तो इसलिए सूरज की सनक जो है, विम्प जो है वो क्या है, लेट द ऑर्चर्ड्स ग्रो, वो चाहता है कि जो फल फलों के बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं पृथ्वी के ऊपर, वो मतलब खिलते रहें, वो बढ़ते रहें, उनको जीवन मिलता रहे। अब देखिए सूरज जो है उसको इतना ताकतवर क्यों बताया है, सूरज को इतना ताकतवर इसलिए बताया है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जितना भी जीवन चक्कर चल रहा है ना स्टूडेंट्स, वो सब सूरज की वजह से ही चल रहा है। अगर सूरज ना हो तो यहाँ पे पृथ्वी पे कुछ भी होने वाला नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जो भी पेड़ पौधे फसलें जो भी कुछ सूरज जो भी पृथ्वी के ऊपर होता है वो सूरज की वजह से भी होता है। अब देखिए यहाँ पे सूरज को ताकतवर तो बताया है, शक्तिशाली तो बताया है और अपनी मर्जी का मालिक भी बताया है, लेकिन सूरज की एक अच्छाई भी यहाँ पे बता दी है। देखिए और अच्छाई क्या बताई है कि सूरज चाहता है कि जो पृथ्वी के ऊपर फलों के बगीचे हैं वो फलते फूलते रहे, यानी खिलते रहे, पृथ्वी के ऊपर जीवन है वो चलता रहे, फल फूल हैं वो चलते रहें, हरे भरे पृथ्वी के बगीचे हैं वो रहें, ये उसकी एक अच्छाई भी यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। अगली स्टेंजा में देखिए यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर जमीन के ऊपर क्या हो रहा है उसका चित्रण किया गया है। ए बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, फेंस कहते हैं बाड़े को, बाड़ जो होती है ना बाड़ को बोलते हैं, जो हम किसी बगीचे के या चारों तरफ बाड़ लगाते हैं उसको फेंस बोलते हैं। तो एक जो पक्षी है सेट केयरलेस, केयरलेस कहते हैं लापरवाह को, एक बेफिक्री से पक्षी है वो बाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, लापरवाह सा पक्षी यानी अपनी मर्जी के अंदर। वन गॉसिप्ड इन द लेन, लेन कहते हैं गली को, और एक पक्षी है वो गॉसिप, गॉसिप का अर्थ होता है कानाफूसी करना, एक गली के अंदर कानाफूसी कर रहा है। तो यहाँ पे पक्षियों के बारे में बताया, यहाँ पे गॉसिप शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है लिटरेरी टर्म, क्योंकि गॉसिप कौन करते हैं, इंसान करते हैं, और यहाँ पे क्या कह रही है पोइटेस कि पक्षी है वो गॉसिप कर रहा है गली के अंदर। तो यहाँ पे क्या है पर्सोनिफिकेशन, पक्षी की, पक्षी को इंसान की तरह दिखाया गया है, यानी पक्षी के अंदर इंसानी गुण को दिखाने की कोशिश करी गई है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। ए बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, एक पक्षी बाड़ के ऊपर लापरवाह बैठा हुआ है। वन गॉसिप्ड इन द लेन, और एक गली के अंदर गपशप कर रहा है। ऑन सिल्वर मैटर्स, और क्या है पृथ्वी के ऊपर, देखिए ग्राउंड के ऊपर कुछ चित्रण किया गया है। ऑन सिल्वर मैटर्स, सिल्वर मैटर्स का मतलब है यहाँ पे खिली हुई धूप, चमकीली धूप। चांड स्नेक, एक स्नेक को, एक सांप को चांद बहुत ही ज़्यादा मोहित कर रही है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रही है, बहुत ही ज़्यादा उस सांप को वो धूप अच्छी लग रही है। जस्ट वाइंडिंग राउंड स्टोन, और वो सांप क्या कर रहा है, वाइंडिंग लिपट रहा है राउंड स्टोन, एक पत्थर के चारों तरफ, एक पत्थर है उसके चारों तरफ सांप है वो लिपट रहा है, क्योंकि उसको सूरज की जो धूप है, सिल्वर मैटर, सूरज की धूप वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। चांड स्नेक यहाँ पे लिखा है। तो इस स्टेंजा के अंदर क्या बताया, देखिए पहले बता दिया कि पक्षियों के बारे में, एक बाड़ पे बैठा है गली में गॉसिप कर रहा है, ये सब बता दिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स,
जो पक्षी हैं जो फेंस के ऊपर बैठा हुआ है और एक गली के अंदर गॉसिप कर रहा है, ये बेफिक्र क्यों हैं? बेफिक्र इसलिए हैं क्योंकि बगीचे के अंदर फल हैं वो खिले हुए हैं, पौधों पौधे हैं वो बड़े हो गए हैं और उनकी छाया इनको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, और ये किस वजह से? सूरज की वजह से। और जो सांप है जो पत्थर के चारों तरफ लिपट रहा है और बहुत ज़्यादा मोहित हो रहा है, किस वजह से? सूरज की धूप की वजह से। तो यहाँ पे सूरज का जो शक्ति है उसको बताने की कोशिश की गई है कि सूरज है वो सभी के लिए, जो पृथ्वी पे सभी जीव हैं उनके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखिए अगली स्टेंजा की बात करते हैं, ब्राइट फ्लावर्स। इस स्टेंजा के अंदर भी सूरज का महत्व बताया गया है। ब्राइट फ्लावर्स लिट कैलिक्स। अब कैलिक्स क्या होता है ये देखिए, ये फूल के चारों तरफ का जो हिस्सा होता है ना जिसमें से फूल निकलता है उसको कैलिक्स कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बायदलपुंज। तो ब्राइट फ्लावर्स चमकीले फूल, स्लिट ए कैलिक्स, जो बायदलपुंज है उसको चीरते हैं एंड सोड अपोन ए स्टेम। सोड मतलब लहराते हैं, झूलते हैं, अपोन ए स्टेम, स्टेम कहते हैं डंठल को, तने को, जो फूल के नीचे की डाली है ना जो डंठल है उसको बोलते हैं स्टेम। तो ये जो फूल हैं ब्राइट फ्लावर्स चमकीले फूल कैलिक्स को स्लिट करते हैं, यानी ये कैलिक्स है इसको चीर देते हैं। किससे चीरते हैं? अब जो फूल बंद होता है सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, जब धूप लगती है तो उसमें चीरा लगता है, तो इसलिए सूरज का महत्व यहाँ पे बताया गया है। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट ए कैलिक्स, वो बाय दलपुंज को चीरते हैं एंड सोड अपॉन ए स्टेम, और अपने स्टेम पर, डंठल पर, टहनी पर सोर करते हैं, यानी लहराते हैं, झूलते हैं, झूमते हैं हवा के साथ, जब हवा चलती है तो इधर उधर वो झूमते हैं। तो फूल खिलते हैं वो भी सूरज की धूप की वजह से ही खुलते हैं। लाइक अब किस तरीके से ये झूलते हैं, किस तरीके से ये जो फूल हैं ये बाह्य दलपुंज के अंदर से निकलते हैं और किस तरीके से ये खिलते हैं उसके तुलना करी गई है। देखिए लाइक हिंडर्ड फ्लेक्स, किस तरीके से? जैसे कि हिंडर्ड फ्लेक्स जो होते हैं, जो झंडे होते हैं ना, बंद बंद किया हुआ झंडा जो होता है, जैसे समेटा हुआ झंडा होता है ना उसकी तरह, स्वीट होइस्टेड, और होइस्ट का तो होता है लहराना, बंद किया हुआ झंडा जो होता है उसको हम ऊपर डोरी बांध करके ऊपर की तरफ खींचते हैं और उसके बाद में उस डोरी को खींचते हैं तो वो झंडा है वो लहराने लग जाता है। तो किस तरीके से वो झंडा एकदम से हवा के अंदर लहराता है और उस तरीके से ये जो फूल हैं वो खिलते हैं। विद स्पाइसेस इन द हैम, अब वापस एकदम से पोइटेस जो है वो क्या है, फूलों के ऊपर आ गई है कि स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब यहाँ पे खुशबू से है। इन द हैम, हैम यहाँ पे बोल सकते हो आप कि किनारे जो होते हैं फूलों की, जो पत्तियाँ होती है फूलों की उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है फूलों की जो पत्तियां हैं उनके जो किनारे हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस, बहुत ही ज़्यादा खुशबू है वो वातावरण के अंदर फैल रही है। तो इस स्टेंजा के अंदर आपको बताया है कि जो फूल हैं वो उस तरीके से खिलते हैं जैसे हम बंद झंडे को ऊपर हवा के अंदर लहराते हैं एकदम से वो झंडा खुलता है, उसी तरीके से फूल है वो टहनी के अंदर से, बायदल पुंज के अंदर से बाहर निकलते हैं और उनमें से खुशबू है वो वातावरण के अंदर बिखर जाती है। लास्ट स्टेंजा की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एमिली डिकिंसन ने क्या कहा इसमें, ट्वास मोर, और भी बहुत ज़्यादा है, आई कैन नॉट मैंसन, वो कहती है कि मैं मैंसन नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती, और भी बहुत ज़्यादा है कि जो समर डे है, मॉर्निंग टाइम है, उसके बारे में बहुत कुछ मैं बताना चाहती हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकती, उसको महसूस कर सकती हूँ लेकिन बता नहीं सकती। हाउ मीन, और ये कितना कम है, मीन का मतलब यहाँ पे कम से है, और ये कितना कम है कि जो मैंने ऊपर आपको बताया है वो बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा सा है कि समर डे है वो सुबह का टाइम कितना सुंदर होता है, प्रकृति का सुबह का टाइम गर्मियों के अंदर कितना सुंदर होता है, कितना मन को मोह लेने वाला होता है, जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम है। टू दोज, उन लोगों के लिए, देट सी वेंडाइक्स डेलिनिएशन, जिन्होंने वेंडाइक डेलिनिएशन, वेंडाइक यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर चित्रकार हुए हैं जो जिनका पूरा नाम सर एंथोनी वेंडाइक करके था, तो ये इंग्लैंड के बहुत ही मशहूर चित्रकार थे। डेलिनिएशन यहाँ के चित्रांकन को बोलते हैं, चित्रांकन जो पोर्ट्रेट वगैरह चित्र वगैरह बनाते हैं, प्रकृति के चित्र बनाते थे पेड़ पौधों के, नदियों के। तो यहाँ पे पोइटिस के लिए हाउ मीन, कि ये बहुत ही कम है जो मैंने बताया है। टू दोज देट सी वेंडाइक्स डेलिनिएशंस, जो वेंडाइक के चित्रांकन को देखते हैं, ऑफ नेचर समर डे, जो कि प्रकृति के गर्मी के दिन का चित्रांकन करते हैं, तो उनका जो लोग पढ़ते हैं उससे तो ये बहुत ही कम है। और साथ में यहाँ पे पोइटिस ये भी कहना चाहती है कि इतना मतलब ज़्यादा कुछ बताया जा सकता है, इतना ज़्यादा कुछ
सुंदरता है इस समर डे सुबह के टाइम में प्रकृति के, कि उसको वेंडाई यदि चाहे तो वो भी नहीं बता सकते, वो भी उसको चित्रांकन नहीं कर सकते, जबकि ये तो बहुत मशहूर रहे थे, इनके तो बहुत ज़्यादा फेमस चित्र रहते थे जो ये चित्रांकन करते थे। तो यहाँ पे कहना चाहती है कि मैं भी नहीं बता सकती, वेंडाइक हैं वो भी इसका पूरी तरीके से चित्रांकन नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा सुंदरता है, इतने ज़्यादा बताने को है कि नहीं बताया जा सकता और इंसान को इससे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो स्टेंस ये थी पोइम ट्रीज जो कि मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन का बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।